नमस्ते आप सभी को। और आज हम लोग जा रहे हैं, आज हम लोग उस पहाड़ों में जा रहे हैं, उस पहाड़ों के चोटी पे इधर वहाँ पे बद्राज टेंपल है, तो आज हम लोग वहाँ पे जा रहे हूँ। धीरे धीरे मारे हो मारे। अरे बकरिया, गुड मॉर्निंग। अब हम कहाँ पहुँचने वाला है? अब हम लोग कोटी पहुँचने वाला है, कोटी गांव। उसके हमारा लास्ट स्टेशन वहीं तक होगा, फिर हम लोग वहाँ से पैदल पैदल चलना पड़ेगा। अब हमारा लास्ट स्टेशन यहीं तक होगा। अब हम यहाँ स्कूटी छोड़ के अब हम पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। ओ मंदिर, जूम करके दिखा दो ऊपर। अब हम यहाँ पे गरम गरम चाय पियेंगे, गरम गरम चाय पियेंगे, उसके बाद फटाफट चाय। हो फिर भी गुड मॉर्निंग। तो अब हमारा कोटी गांव से, कोटी गांव में चाय नाश्ता करके अब हम हमारे पैदल यात्रा चालू कर रहे हैं। अभी बजा है सुबह का 8 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, तो अब हम दोनों चल रहे हैं। कैसा लग रहा है बोलो भाई? शुरू में था कि शुरू में खत्म हो रहा है इधर। ये कोटी गांव, कौन देते खाने में लोग? हमारे गांव में तो पहाड़ों में जार में भी वो करण लगता है, अगर इसको पकड़ेगा तो करण लगता आता करंट लग जाता है ये घास को। हमारा गाय का घर सटकट पकड़ सू। ये दूसरा का घर जाने का रास्ता उधर छोड़, उधर छोड़ मान्छे घर जाने बाटो रहेछ। अब हम दूसरे के घर पे पहुँच गए रास्ता भटक के। ओ कुकुर रहेछ त, कुकुर हालले नि चोक्दैन, कु चिल्ला रहा है ना, तो नहीं करता। ओ नमस्ते कर, भूख भी नहीं रहा है। जो कुत्ता भोंकता है, भोंकने को कुत्ता नहीं काटता है, लेकिन ये भोंक नहीं रहा है, पूछ हिला रहा है, बस हमको कन्फ्यूज कर रहा है। तो देहरादून शहर उत्तराखंड देवभूमि का नज़ारा देखो। वो देव कौन? अभी तो ये ट्रेलर है। सही बात। अब हम वहाँ चोटी पे जाने हैं इधर इधर से। तो कोई भी चप्पल में, ये चप्पल नहीं, पहाड़ों में ऐसा वाला चप्पल जूता पहन के आएगा तो हालत यही होगा, एक इधर और एक इधर, दोनों को फेंक के जाना पड़ेगा। हाँ पहाड़ों में आना पड़ेगा तो थोड़ा सोच समझ के आना पड़ेगा। ऐसा पहना करो बंदे को, ऐसे पहन के आना पड़ेगा पहाड़ों में ये। अब हम 15-20 मिनट पैदल चल के कोटी गांव से इधर पहुंच गए।
देहरादून सिटी वहाँ पे पड़ता है। और ये बावला हो गया, इधर बावला, इधर विकास नगर, उधर 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 हिमाचल प्रदेश देख। पंद्रह बीस मिनट में नक्शा बदल गया इधर। हो अब हम लोग पहुंचा है आधे के आधे के आधे के आधे के रास्ते पर। यहाँ से देहरादून हो देहरादून का नज़ारा। इधर आदमी लोग कैंपिंग करता है और ऐसे गंदा करके जल ले जाता है, ऐसा गंद करके जाता है। अगर आप लोग पहाड़ों में आके हवा नहीं चल रहा है तो मैं हवा बुलाने का तरीका सिखा दूंगा। ऐसे सिटी मारना है हवा को, देखो हवा चल गया, ये हिल रहा है ना ये हवा। चलो अब हम चलते हैं, अगर ज़्यादा बैठ गया तो बैठा बैठा रहेगा। किसी का टोपी इधर छोड़ के गया। अगर आप लोग बद्राज टेंपल में जा रहे हैं तो पानी खुद लाना पड़ेगा, ऊपर पानी नहीं मिलेगा, खरीदना पड़ेगा। अगर ऐसे पानी से प्यास मिट जाएगा तो ठीक है। नमकीन वाला पानी से, अब झोला उठाने का बारी। इधर फूल देख सकते हो, फूल आम 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 आम। तो अगर पहाड़ों में आएगा तो ऐसा सुकून ढूंढने आता है ना पहाड़ में। यार सुकून मिलने के लिए छोमा बजे टोक जा ओ माय लगर। पहाड़ों में ऐसा चप्पल पहन के कौन आएगा यार, ऐसा चप्पल पहन के भी कोई आएगा? उसका जोड़ी यहाँ देखो वहाँ नीचे उतना लंबा जाना पड़ता है, ऊपर इतना जाना पड़ता है, ऐसे चप्पल पहन के कौन आता है? ओ देहरादून शहर। अभी हम लोग यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ पहुँच गया। और वहाँ ऊपर उस बादल के बीच में वो बद्राज टेम्पल है, माथा अट जाओ उसका बीच में वो बद्राज टेम्पल है। अब हमें यहाँ ऊपर से ऐसे ऐसे जाना है। हो अब मैं कहाँ बैठ रहा हूँ आप लोगों को दिखा दूंगा मैं। देखो ये देखो जन्नत। अगर आप लोग नीचे जाने के लिए इधर से घूम के जाने का वो दिल नहीं किया तो यहाँ से सीधा जा सकते हो, शॉर्टकट नीचे नदी में जाओ, नदी से वो
हम लोग आराम से खेल खेल के जा रहे, तो अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है, बादल आ रहे, कभी धूप आ रहे। इसको हमने वो बैग में डाल के लाया था, लेकिन इसका भी ये ऊंचाई पे पहाड़ में आने तक इसका भी हवा टाइट हो गया। अब इसको खोलते हैं, हवा निकालते हैं इसको। जिस तरह हवा निकल गया, इस तरह हमारा भी हवा निकल चुका है। अब आप उनका बारी झोला बोकने का। लो सो ये समझ कैमरा। अब 10 किलो सा होला चलो ना। अगर आप लोग पहाड़ में आते हो तो जब ऐसा खाते हो तो इधर उधर फेंकने का नहीं है, लेके जाने हो वापस। दो साइड का बादल का मिलन हो रहा है इस पहाड़ों में, इधर का भी इधर का भी। ये बादल फिर ऊंचाई शुरू। पहाड़ों में आने का एक ही प्रॉब्लम है, ऊंचाई एक पहाड़ में जाओ दूसरा पहाड़ दिखता है, फिर उसका ऊपर जाओ फिर और एक दिखता है, खत्म ही नहीं होता है। फिर बादल आएगा तो रास्ते नहीं दिखते। हाँ, इधर किसी ने पानी छोड़ा है, दो नर्गोइया। और इधर जूता भी, कितना जूता मिलता है आज तो, पूरा रास्ते में जूता छोड़ छोड़ के किया। कोई धनी मानी आदमी लोग आया होगा, औरत लग सब जूता छोड़ छोड़ के जा रहे, जूता चप्पल। अभी बादल से इतना अंधेरा हो गया, काला भैंस भी नहीं देख रहा है इधर। स्कूल हम यहाँ से सीधा सीधा, हम यहाँ से ऊपर रास्ता ही नहीं है, चोटी नहीं है पहाड़। अब हम लोग सबसे टॉप में आ गया ऊंचाई में, तो इधर दोनों साइड में वो है नीचे घाई, इधर भी उधर भी। अगर ये बादल नहीं होता तो बहुत डेंजर दिखता होगा यहाँ से। देखो वो आदमी, बादल इतना स्पीड आ रहा है कि पता नहीं कहाँ चल रहा है, पूरा इतना अंधेरा दिख रहा है। अब दो रास्ता आ गया, एक इधर साइड एक इधर साइड, हम लोग अब ये साइड जाएगा। ये देख लीजिए कितना अंधेरा जंगल है, सुनसान। हाँ, अगर किसी तरह इस जंगल में भूत होगा भी तो बोर लगता होगा ऐसा वाला जंगल में, क्या करके बैठेगा भूत लोग भी। ऐसा अंधेरा में भूत होगा भी तो क्या करके बैठेगा वो, उसको भी बोरिंग लग जाएगा। देखो इतना अंधेरा है, फिर दो रास्ते आ गया, कौन सा वाला जाना है, हम नीचे वाला जाएंगे। देखो क्या नजारा है, देखो ये ले देखो, तो हम लोग भद्राज टेम्पल पहुंच गए। अभी नहीं देख रहे हैं, यहीं पे है भद्राज टेम्पल। अभी भद्राज टेम्पल का थोड़ा सा नीचे एक दो होटल है, वहाँ पे हम नाश्ता करके जाएंगे। अभी तब मौसम खुलता है तब जाएंगे हम वहाँ का नज़ारा देखने के लिए, अभी तो पूरा इतना अंधेरा है। जब ये खुलता है ना तब दिखाएंगे आप लोगों को भद्राज टेम्पल। ओह
हम लोग यहाँ पे 12 बजने के लिए 15 मिनट में पहुँच गया। तो बेकिस्मत थोड़ा बादल लग रहे हैं जहाँ इतना ठंड लग रहा है, ये इतना पतला है, इतना ठंड लग रहा है। मंदिर यही ऊपर है, यहीं पे अभी हम यहाँ पे बैठ रहा हूँ। ऐसे अभी बारिश भी हो रहा है, शायद अब ये नहीं खुलता होगा ये। अभी अगर बारिश रुक गया तो हम लोग ऊपर जाएंगे और थोड़ा बहुत देख लेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। इतना ठंड लग रहा है यहाँ। गरम कर रहा है, गरम। हाँ, इतना ठंड हो रहा है यहाँ पे। आराम से बैठेगा तो इतना ठंड लग रहा है, इसीलिए अभी देख सकते हो अभी खुल रहा है थोड़ा थोड़ा। आशा करता हूँ कि पूरा खुल जाए। उधर उस साइड में देखो, ऊपर तो पूरा खुल गया है। मद्रास टेम्पल यहीं पे, यहाँ से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इधर को। अभी बारिश हो रहा है, बारिश रुकेगा तो जाएगा। मौसम ऐसा हो रहा है पूरा। अब मौसम खुल गया है थोड़ा सा, हमें देखने के लिए थोड़ा मौका दिया। देखो देहरादून शहर, पहाड़ का मौसम कब क्या होता है पता ही नहीं चलता है। बद्रास टेम्पल उधर थोड़ा सा दिख रहा है। कृपया जूता चप्पल एवं चमड़े से बनी वस्तुएं को मंदिर के परिसर में ना ले जाएं, यहाँ पर उतारें। लो अब उतारो। बद्रास टेम्पल देख सकते हो, किधर गया पीछे के लिए। ये है बद्रास टेम्पल, पहले बनाते थे ना। अब बद्रास टेम्पल से नजारा देहरादून। हम लोग वहाँ से आया था, यह कोटी गांव, वहाँ पे वहाँ तक स्कूटी में आया, फिर वहाँ से पैदल यह जंगल से आके यहाँ तक। अब बादल आ रहा है फिर। तो हम लोग सुबह मंडवाला से वैसे 6:30 ऐसे में निकला था। तो यहाँ नीचे क्या गांव है, वो गांव में कोटी गांव में हम लोग 7:30 इतना में पहुँच गए। हम वहाँ पे चाय और मैगी खा के आराम से आ गया। अब यहाँ पे बद्रास टेम्पल पे हम लोग पहुँच गया 12 बजे इतना में पहुँच गया। तो अब हम थोड़े देखते हैं फिर वापस चले जाते। बद्रास टेम्पल मेन गेट ये होगा शायद, ये ही। बहुत ठंड है यहाँ से, इस तरफ पूरा हिमालय। अभी तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, जब खुलेगा तो तब दिख जाएगा। मंदिर का बैक साइड ये है।
तो इधर कोई खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मैगी ऐसा कोई नहीं है। नीचे मैगी पॉइंट था लेकिन उस आज खुला नहीं है, तो अब हम भोकी जाना पड़ेगा। कुछ खाने के लिए नहीं है, हम थोड़ा कुछ लाया है वही खा के जाएंगे। तो चलते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे। यहाँ 12:30 हो गया, अब नीचे कितना बजे पहुँचेगा वो पता नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं बद्रास टेम्पल से नीचे वापस जा रहे हैं। सीन देखो, ओ माय गॉड। हम लोग अभी वहाँ यहाँ से आया था लेकिन वो बादल आ रहा था ना, कुछ नहीं देखा, अंधेरा अंधेरा हो गया था। वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अब फिर हम लोग यहाँ से जाएगा ऐसे, ये ऊपर ऊपर होके फिर वहाँ नीचे। ओ बद्रीनाथ टेम्पल यहाँ पे है इधर। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से ऐसे करके ये ऊपर ऊपर करके वहाँ नीचे जाते हैं, और वहाँ नीचे यहाँ पे हमारा स्कूटी है, और हम यहाँ से जाएंगे उधर वाला फिर मंजवाला। तो चलते हैं। अभी मौसम पूरा खुल गया है। हम लोग अब बजराज टेंपल से वापस आके अब हम यहाँ पे मैगी खा रहे हैं, तो अब हम ये मैगी खा के फिर वापस चले जाएंगे। टेस्ट करो। भैया जी का हाथ का मैगी खाना पड़ेगा आज। वाह मीठा है, शायद मुझे भूख लग रहा है इसीलिए हो गया। पहले ये खाएंगे फिर ये खाएंगे फिर वो खाएंगे। धन्यवाद, आप लोग देखते रहना। अभी मैगी खा के अब फिर चल रहा हूँ, लेकिन अभी का मौसम ऐसा रहा, ऐसा हो रहा है, कभी बादल आ रहा है कभी धूप लग रहा है। बद्रीनाथ टेम्पल हाँ वहाँ जाके आया इधर से, 360 व्यू। अगर आप लोग देहरादून से बाइक और गाड़ी में आना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे करके वहाँ पे मसूरी है, और मसूरी से वहाँ से ऐसे ऐसे करके इधर आ सकते हो। देहरादून शहर, अगर आप लोग नीचे से आ रहे हो तो अगर यहाँ पे पहुँच गया तो मान लो आप ऊंचाई पे चढ़ना खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ ऊपर से यहाँ से पूरा सीधा सीधा रास्ता है बद्रीनाथ टेम्पल, वहाँ पे जाने के लिए। तो आदमी लोग यहाँ पे जब नीचे से आता है तब यहाँ पे एक एक पत्थर छोड़ के जाता होगा शायद, क्योंकि अब ऊंचाई खत्म हो गया सोच के यहाँ पे एक पत्थर रख के जाता होगा। बद्रीनाथ मंदिर वहां पे है, देहरादून शहर, देहरादून शहर को आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त चलने में थोड़ा लेट होता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, वो अपना वो ढंग से आ जाएगा। यहाँ देखो। कैसा हालत हो रहा है। ये देखो, हम लोग अभी 4 बज रहा है, तो हम लोग अभी कोटी गांव में पहुंचने वाला है। कोटी गांव यहीं नीचे है, और 5-10 मिनट में पहुंचेगा।
और उधर जाना है, और इधर बारिश हो रहा है उधर, तो देखते हैं क्या होगा। लो ये चप्पल दो देख लो, सुबह से अभी तक यहीं पे कहीं नहीं किया अभी तक। आप लोग भी इधर भद्राज टेंपल आने का मन है तो, अगर पैदल चलने का मन है तो इधर से आ सकते हो आप लोग। इधर कोटी में बाइक रख के यहाँ तक गाड़ी में आ जाओ, फिर यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। अगर गाड़ी में जाना है तो उधर वो देहरादून से मसूरी होके इधर आना पड़ेगा, वहाँ ऊपर तक बाइक पहुँचता है, तो आप लोग वैसे भी आ सकता है। तो अब हम लोग कोटी गांव पहुँचने वाला है, रास्ते ऐसे है। अब भद्राज टेम्पल वहाँ ऊपर है उधर, अभी हम लोग वहाँ जाके आए। और आप लोगों को घूमने के लिए इधर भी एक वो पानी है, और वहाँ पे पुल है, वहाँ पे वो देखने के लिए अच्छा है। अगर आप लोग वहाँ पे घूम सकता है, अगर इधर जाना है तो यहाँ ऊपर तक भी जा सकता है, वहाँ से भी यहाँ देहरादून का व्यू पूरा देखता है। तो हम लोग इधर कोटी गांव में पहुँच गया, तो इधर गाड़ी पार्किंग करते आप लोग यहाँ ऊपर तक जा सकते हैं, वहाँ से व्यूज़ अच्छा दिखता है। कभी कभी मौसम साथ देता है, कभी कभी नहीं देता है। वहाँ देखो आदमी लोग पूरा यहाँ तक पार्किंग करके और ऊपर जा सकते हैं आप लोग, इधर पूरा पार्किंग है। तो हमारा स्कूटी यहाँ पे है, तो अब हम चलते हैं। टाटा बाय बाय।